हम आए दिन देखते हैं कि कभी पेट्रोल महंगा हुआ तो कभी सब्जियां महंगी हुई, लेकिन अभी ये सुनने में मिल रहा है कि पेट्रोल और सब्जियों से महंगा केरोसिन हुआ है। मुंबई मानखुर्द साठीनगर बस्ती में केरोसिन महंगा होने के कारण वहाँ के बस्ती के लोग पेट्रोल और डीजल पे खाना पका रहे हैं। रेशन कार्ड पे हमको महीने में 4 लीटर रॉकेल मिलता है और पूरे 4 लीटर में हमारा पूरा महीने का गुजारा होता है। 4 लीटर के बाद हमको ब्लैक से खरीदना पड़ता है। ब्लैक का 1 लीटर रॉकेल का रेट है 70 से 80 रुपए और हम लोग को डीजल मिलता है पेट्रोल पंप पे 50 रुपए लीटर, यानी कि 20-30 रुपए लीटर में बचते हैं। तो हम लोग इतना महंगा रॉकेल नहीं खरीद पाते, इसलिए डीजल लाते 50 रुपए लीटर से और स्टोव में जला के हम लोग खाना पकाते हैं। उसको साल से चल रहा है। वैसे बहुत सारे लोग हैं कि डीजल लेके आते स्टोव में डालते और खाना पकाते। तो डर नहीं लगता आपको कि फिर डीजल बहुत खतरनाक चीज है रॉकेल से भी? मालूम तो है, लेकिन पेट के लिए करना पड़ता है। तो मग याच्यावर काय समाधान असेल? याच्यावर समाधान एक तर रॉकेल वाढवून द्यावं त्यांनी, समाधान बरोबर। 3 लिटर 4 लिटर मध्ये गुजारा होतो का महिन्याचा? नाही होत। त्यासाठी रॉकेल तरी वाढवून द्यावा समस्या, म्हणजे त्यांचं समाधान आमचं करावं, गरीब जनतेचं येऊन बघावं कशी राहत्यात काय करतात, त्या लोकांना काय माहीत पडतंय गरीब कसं जगतो। इस वीडियो के माध्यम से मैं महाराष्ट्र के जो अन्न पुरवठा और ग्राहक संरक्षण मंत्री जो गिरीश बापट है, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि जो केरोसिन का कोटा है वो बढ़ा दिया जाए। गिरीश बापट जी का नंबर है 9823040400। आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मुंबई मानखुर से अमोल लाल झरे, इंडिया अनहर्ड के लिए।